हेलो बच्चों, रोड मैप 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं और रोड मैप के थ्रू हम बहुत सारे रिएक्शंस को समझते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक को और मजबूत करते हैं। चलिए, कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर किसी भी पर्टिकुलर जैसे क्लोरीनेटिक एजेंट से ट्रीट किया जाए, SOCl2 हो गया, PCl5 या PCl3, तो जो इसका प्रोडक्ट आएगा वो सबसे पहले लिखते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड अगर है तो उसका OH ग्रुप आपको हटाना है और ये Cl उस जगह पे क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो मतलब पहला जो प्रोडक्ट आएगा बच्चों वो आपका कुछ इस तरीके से होगा, ये रहा एसिड क्लोराइड, ठीक है, पहला कंपाउंड। चलिए, यहां से ये एसिड है और ये एक बेस है, तो आपको जो दूसरा कंपाउंड यहां मिलेगा, यहां पे सॉल्ट मिलेगा, ठीक, सोडियम सॉल्ट कुछ इस तरीके से लिख देंगे, ये रहेगा आपका दूसरा कंपाउंड, ठीक। ये अमोनिया से अगर आप ट्रीट करते हो, अमोनिया से, तो सिंपल अमोनिया से जब आप ट्रीट करते हैं तो ये भी एक एसिड बेस रिएक्शन है बच्चों। तो अमोनिया एक बेस है, तो यहां से H प्लस गेन करेगा और NH4+ अमोनियम में कन्वर्ट होगा, वो अमोनियम इस ऑक्सीजन के साथ एसोसिएटेड रहेगा और आपको मिलेगा अमोनियम सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट मिलेगा बच्चों, अमोनियम सॉल्ट, ये इसका प्रोडक्ट रहेगा। हाँ, अगर हीटिंग इसी स्टेप में लिखा होता तो अमोनियम सॉल्ट नहीं, तब हमें अमाइड मिलता, जो मैं अगले केस में भी बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर डाइबोरिन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट जब कार्बोक्सिलिक एसिड में डाले जाएं तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ये इस पूरे ग्रुप को प्राइमरी एल्कोहल में रिड्यूस कर देते हैं। किसमें? प्राइमरी एल्कोहल को। तो पीछे वाली एल्काइल चेन एज इट इज रखनी है और इसको बदल देना है आपको प्राइमरी एल्कोहल में, ठीक। अच्छा, अगली रिएक्शन अगर देखें तो भाई ये बेस है और ये आपका एसिड है और यहाँ पे कैल्शियम का बेस है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो आपको पता है इसके 2 मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, तो जो आपका सॉल्ट बनेगा बच्चों वो कुछ इस तरीके से होगा, CH3COO होल ट्वाइस, 2 टाइम्स होगा बच्चों, यहाँ पे आपको कैल्शियम इस तरीके से लेना होगा, ये रहेगा आपका कैल्शियम एसीटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम एसीटेट। तो ये आइडेंटिफाइड हो गए बच्चों, अब अगली लाइन आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए, तो एसिड क्लोराइड को देखिए ध्यान से, एसिड क्लोराइड को हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम से ट्रीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ बैरियम SO4, मतलब बैरियम सल्फेट, सॉरी। तो ये वाला जो रिएजेंट आपको याद आ गया होगा, ये कौन सी नेम रिएक्शन का है? यस, ऑफ कोर्स, ये आपकी रोजनमुंड रिएक्शन का है। तो आपको इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा? यहाँ पे Cl की जगह इसमें क्या आ जाता है बच्चों, याद करो, यस ऑफ कोर्स, इसमें H आ जाता है, मतलब आपको एल्डिहाइड, इसको एल्डिहाइड इसका मेजर प्रोडक्ट बनता है, CH3CHO, ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद अगर मैं इसी एसिड क्लोराइड में डाई अल्काइल कैडमियम ऐड करूं तो क्या मिलेगा? सो डाई अल्काइल कैडमियम जब आप ऐड करते हैं तो भी देखो कितना सिंपल है, यहां से मिथाइल ग्रुप इस क्लोरीन की जगह लेगा और इसके 2 मोल हिस्सा लेते हैं, क्योंकि 2 अल्काइल चेन यहां से निकलेंगी, तो 2 बार यहां पे क्लोरीन की जगह पे क्या आ जाएगा, कहीं ना कहीं मिथाइल, मतलब हमें 1 मोल को ही यहां पे रिप्रेजेंट करना है, अदरवाइज प्रोडक्ट आप सबको पता लग चुका होगा कि क्या रहने वाला है, यस, एसीटोन। और बाकी कैडमियम जो है यहां से 2 क्लोरीन, 2 मोल्स के साथ 2 क्लोरीन लेकर के CDCl2 बाई प्रोडक्ट बनाएंगे। अच्छा, इस रिएक्शन को अगर पूरा किया जाए तो आइडेंटिफाई करते हैं 8th प्रोडक्ट। 8th प्रोडक्ट में देखो कि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हम सोडा लाइम से ट्रीट कर रहे हैं, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या काम करता है? डीकार्बोजाइलेशन, ये पूरे ग्रुप को यहाँ से हटा देता है, ये पूरे ग्रुप को यहाँ से हटा देता है और साथ ही साथ जो भी अल्काइल चेन अटैच है वो अपने रेस्पेक्टिव एल्केन में कन्वर्ट हो जाती है या फिर अपने रेस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन में बदल जाती है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए तो आपको मैं बताऊं, ये 11th क्लास की सिंपल रिएक्शन होती है जिसे कोलबीज इलेक्ट्रोलिसिस के नाम से जाना जाता है। कोलबीज इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, इसके 2 मोल हिस्सा लेते हैं, 2 मोल पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में और जो अल्काइल चेन होती है वही अल्काइल चेन एक और अल्काइल चेन से जुड़ करके आपको एल्केन प्रोवाइड करती है। ध्यान देना, यहाँ पे ये कुछ वुड्स रिएक्शन टाइप का प्रोडक्ट बनता है, बट वुड्स रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड होता है स्टार्टिंग मटेरियल और इसमें सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, 2 मोल इसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी इसमें CO2, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट होते हैं। अच्छा, अगली रिएक्शन को देखें तो यहाँ पे हीट कर रहे हैं हम लोग और जब हीट करते हैं तो वाटर लॉस होगा, तो वाटर जब लॉस होगा तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से 1 ऑक्सीजन यहाँ से हटाते हुए आपका जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज एमाइड। देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका, अमाइड CONH2, ये रहा आपका इस रिएक्शन का प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। अब आइडेंटिफाई करते हैं 11th प्रोडक्ट। सो जैसे ही आप इथेनॉल में एसिड डालते हैं एट 443 केल्विन, आप समझ चुके होंगे यहाँ पे डिहाइड्रेशन प्रोसेस है, एल्कीन ही बनेगा, एल्कोहल से OH हटेगा यहाँ से और H हटेगा इस साइड से, तो कौन सी एल्कीन बनेगी? इथेनॉल से बनेगी इथीन,
ठीक है, इथेनॉल से बनेगी इथीन। ठीक बच्चों, अच्छा उसके बाद ये 13 और फिर यहाँ पे 12 को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको 12 बता देता हूँ। तो एल्कीन का जब ओजोनोलिसिस करते हो तो आपको पता है कि डबल बॉन्ड हटाना है और दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन देना है, तो इस हिसाब से यहाँ का जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा फॉर्मेल्डिहाइड। क्या होगा बच्चों? फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर बच्चों? उसके बाद ये वाली रिएक्शन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ड्राई डिस्टिलेशन जब करते हैं कैल्शियम सॉल्ट का तो यहाँ पे देखने को मिलता है, कैल्शियम एसीटेट का अगर करते हैं तो जो मेजर प्रोडक्ट इसमें मिलता है वो है एसीटोन। क्या मिलता है बच्चों? एसीटोन यहाँ पे आपका मेजर प्रोडक्ट मिलता है। जरा मैं आपको एक बार बता देता हूँ ये प्रोडक्ट किस तरीके से आता है। तो कुछ ये देखिए, ऐसे आपके पास दो यहाँ पे कैल्शियम एसीटेट और ये कैल्शियम एसीटेट, ये इस तरीके से देखिए, और यहाँ पे कैल्शियम 2+, ये 2 times मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, ध्यान से देखो, मैंने 2 times इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया। और अब जब आप ड्राई डिस्टिलेशन करते हो तो इसमें एक बाई प्रोडक्ट निकलता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आप देखो कैल्शियम कार्बोनेट की एक यूनिट यहाँ से हटा देंगे। ये देखो मैं CO नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, CaCO3 की यूनिट हटाएंगे। एक मिथाइल जो होता है वो डायरेक्टली आपका इस कार्बन से लिंक हो जाता है, इसलिए CH3CO और ये मिथाइल इस कार्बन से अटैच होता है तो एसीटोन मिलता है। मतलब ये वाली रिएक्शन आप डायरेक्टली ध्यान रख सकते हैं कि आपको एसिटिक एसिड दिया हो, सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करके उसका सॉल्ट बनाना होता है, एंड ड्राई डिस्टिलेशन से वो कैल्शियम एसीटेट बदल जाता है एसीटोन में, ध्यान रखना इसे अलग से। ठीक है, तो ये हुई कहानी इस यहाँ तक की 13 प्रोडक्ट तक। अब चलते हैं आगे 14 देखिए। अब जैसे कि यहाँ पे 14 प्रोडक्ट की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे है क्या, CH3CHO मतलब एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड से आप DNP रिएजेंट डाल रहे हो एल्डिहाइड में। सो आपको अच्छे से पता होगा अमोनिया और अमोनिया के जितने भी डेरिवेटिव हैं वो सीधे ही CO ग्रुप के ऑक्सीजन को लेके निकल जाते हैं। ठीक है, तो मैं पहले तो इसका स्ट्रक्चर लिखता हूँ, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर लिखता हूँ कुछ इस तरीके से। ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, 2,4-dinitrophenylhydrazine बोलते हैं बच्चों इसे। ठीक, इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर देख लो ध्यान से। और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके साथ इसे कंबाइन करेंगे। तो CH3 एज इट इज लिखना। अब होगा क्या बच्चों, ये ऑक्सीजन हटता है यहाँ से ऑक्सीजन, और यहाँ से एक मतलब दो हाइड्रोजन हटाने हैं तो H2O हटाना होता है आपको। यहाँ से देखिए ध्यान से एक बार इसको देखिए, H2 और O, ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ डबली बॉन्डेड जुड़ेगा और एज इट इज बाकी का आप रिपीट कर दें। ये ऑरेंज प्रेसिपिटेट होता है और कहीं ना कहीं ये रिएक्शन आप सबको पता है 2,4-DNP टेस्ट के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ऑरेंज प्रेसिपिटेट, ये एल्डिहाइड और कीटोन्स ही इस रिएक्शन को देते हैं। ठीक, अच्छा इसके अलावा अगर हम देखें तो ये ऊपर वाला तो पूरा हो गया। अब मूव करते हैं ये 15th को आइडेंटिफाई करते हैं। तो 15th को आइडेंटिफाई करते हैं, एसीटोन दिया है, सोडियम बोरोहाइड्राइड मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, ये कुछ इस तरीके से एक एच यहाँ लगाएगा और एक एच यानी CO ग्रुप जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसको रिड्यूस कर देता है और आपको मिलता है 2° अल्कोहल। तो इसको भी सीधा ही कंप्लीट कर देते हैं पहले। अब आप देख लीजिए कि अल्कोहल है और एसिड डाला तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा फिर से। तो यहाँ से डिहाइड्रेशन पे जो एल्कीन देखने को मिलेगी बच्चों वो होगी प्रोपीन। क्या होगी? प्रोपीन। चलिए अब मैं इस वाली रिएक्शन को पूरा करता हूँ, आइए देखते हैं। तो यहाँ से 16 तो हम सबको पता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, तो भाई यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा बच्चों वो कुछ ये वाला आएगा। ठीक, ये सभी प्रोडक्ट्स को मैं हाईलाइट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, और ये तो बहुत ही बड़ा प्रोडक्ट है भाई, चलो इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो मिथाइल क्लोराइड है इसको मैग्नीशियम और ड्राई इथर से रिएक्ट करना है, तो मतलब यहाँ पे आप समझ चुके हैं ये मैग्नीशियम इन दोनों के बीच में जाके जुड़ जाएगा और यहाँ से जो रिएजेंट ये मिलता है इसको क्या बोलते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। इस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब देखने वाली बात ये है कि जब इस ग्रिगनार्ड रिएजेंट को आप CO2 से ट्रीट करोगे और हाइड्रोलाइज करोगे तो ये 29 प्रोडक्ट क्या होगा। तो 29 प्रोडक्ट मैं आपको बताता हूँ, ये जो CO मिथाइल ग्रुप होता है इस मिथाइल ग्रुप का अटैक होता है इस कार्बन पे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस लेके आपको समझा देता हूँ, देखिए ये CO ग्रुप है और आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट जैसे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ऐड कर रहे हो,
ध्यान से देखना। तो ये मिथाइल ग्रुप जाके इस कार्बन पे जुड़ेगा और ऑक्सीजन ऐसे ट्रांसफर, ऑक्सीजन के ऊपर पाई बॉन्ड ट्रांसफर होगा जिस पे जाके MgBr जुड़ेगा। तो आप जरा देखो, इस कार्बन को एज इट इज लिखता हूँ और इस मिथाइल ग्रुप को मैं यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है। 29th को इधर ही दिखा देते हैं ना कि CH3 जो इसने दिया कहाँ से है, ग्रिग्नार्डियन से। इस कार्बन पे एक ऑक्सीजन तो एज इट इज रहेगा, दूसरा ऑक्सीजन ऐसे करके रहेगा, देखो जरा ध्यान से, देखो इस तरीके से। लेकिन जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो वो ऑक्सीजन MgBr हटेगा और वहाँ पे आपको मिलेगा एक एच। मतलब देखिए आपको आंसर में क्या मिला, एसिटिक एसिड। देखिए आंसर में क्या मिला, एसिटिक एसिड। किससे मिला ये, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से, ठीक है। तो ये वाली सीक्वेंस हमारे इस रिएक्शन का पूरा हुआ है, ठीक। अब चलते हैं इस वाले पार्ट पे, 17, 24 और 30 को आइडेंटिफाई करते हैं। तो 17 में देखें तो फिर से ये आपका हैलोजनेशन कर रहे हैं आप क्लोरीनेशन लाइट की प्रेजेंस में, तो फ्री रेडिकल ऊपर वाला जो केस था वही यहाँ पे भी होगा, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे रिएक्शन एक्वस KOH के साथ है, तो ये सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये हुआ आपका आंसर CH2OH, ठीक, यानी कि इथेनॉल बना। अब यहाँ पे सामने लिखा I2NaOH, तो आयोडीन और NaOH ये आप याद करें, ये कौन सा रिएजेंट, ये आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए अप्लाई किया जाता है। और अब आप देखें आइडोफॉर्म टेस्ट क्या कुछ होता है, आइडोफॉर्म टेस्ट वो सभी मिथाइलेटेड एल्डिहाइड और कीटोन्स में होता है। तो भाई कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसका प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, तो देखो भाई अब ये एल्डिहाइड तो है नहीं, ये तो आपका अल्कोहल है। तो आपको मैं बताऊं, जैसे ये मिथाइलेटेड ये ग्रुप होना चाहिए एल्डिहाइड और कीटोन में आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए, जबकि अल्कोहल में यहाँ पे अगर ऐसा है मिथाइलेटेड अल्कोहल है तो भी ये प्रोडक्ट देगा। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसका जो येलो प्रेसिपिटेट बनेगा वो आपका CH3 की वजह से बनेगा, ये रहेगा इसका कहीं ना कहीं आंसर जो आपको लिखना था, ये चीज़ इस तरीके से, ठीक। ये वाला अल्कोहल देगा जिसमें CH3 ग्रुप है उस अल्फा कार्बन पे जिस पे OH जुड़ा हुआ है। अच्छा, इसके बाद देखिए कि यहाँ पे दे रखा है अमाइड CH3CONH2। अब इस अमाइड में क्या ऐड करना है, देखो Br2KOH, ये भी एक नेम रिएक्शन का मटेरियल है, इसे बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, है ना। तो यहाँ से CO ग्रुप पूरा का पूरा एलिमिनेट हो जाएगा और सीधे ही आपका ये CH3NH2 से डायरेक्टली लिंक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये भी एक टेस्ट है, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH जब आप ऐड करेंगे, ये आपका प्राइमरी अमाइन जो होते हैं स्पेशली उनमें जब ऐड करते हैं या फिर आपका जीरो डिग्री वाले में ऐड करते हैं तो होगा क्या भाई, हाँ सॉरी ये तो प्राइमरी वाला है, तो प्राइमरी अमाइन में जब ऐड करते हैं तो ये आपको मिलता है आइसोनाइट्राइल। क्या मिलता है, आइसोनाइट्राइल, जो कि फॉल स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं। कैसे होते हैं, फॉल स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं, ध्यान है आपको। ये आपको कौन सा टेस्ट है, कार्बाइल अमीन टेस्ट, या रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं 1926 और 31 के लिए। तो देखिए जैसे ही आप इस अमाइड को स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से ट्रीट करते हैं तो उस केस में आपको मिलेगा CH3, या जो आपको CO ग्रुप है ये रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, रिड्यूस होता है कम्प्लीटली CH2 में और ये आपको देता है प्राइमरी अमाइन। इस तरीके से ये पूरा ही इसे रिड्यूस कर देता है, CO ग्रुप को कम्प्लीटली रिड्यूस कर देता है। साथ ही साथ जब HNO2 से आप ट्रीट करते हैं तो भी HNO2 से डायरेक्टली NH2 ग्रुप किस में बदल जाता है, OH में, कम्प्लीटली ये उसको OH में बदल देता है। डाइजोनियम सॉल्ट जो इस केस में बनता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए आपका जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो अल्कोहल मिलता है। मतलब कभी भी आपको अगर ऐसा नजर आए कि HNO2 लिखा हुआ और यहाँ पे आपको प्राइमरी अमाइन दिखाई दे, सीधे आपको OH में उसे बदल देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया, ठीक, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये इसको अल्कोहल को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर दें, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल जो होगा वो आपका किस में बदल जाएगा, यस, कार्बोक्सिलिक एसिड में। चलिए अब मूव करते हैं इस वाली रिएक्शन को पूरा करते हैं। P2O5 एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, क्या है बच्चों, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो भाई P2O5 जब ऐड करोगे वो भी किस में, ये रिएक्शन किसके साथ हो रही है भाई, देखो ये अमाइड से ही हो रही है। तो यहाँ से O हटाना और यहाँ से H, ध्यान देना यहाँ से O और यहाँ से H2, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा डिहाइड्रेशन के दौरान वो रहेगा आपका CH3CN। देखो ध्यान से
यहाँ से O और यहाँ से H2, तो ये मिलेगा CH3CN। और अब देखो ये एक नेम रिएक्शन है, ये है स्टीफंस रिएक्शन, ठीक है। अब भाई CN ग्रुप को स्टीफंस रिएक्शन किस में बदलता है? CHO में बदलता है। किस में बदलता है? CHO में। तो ये इमाइन फॉर्मेशन के थ्रू ये रिएक्शन पूरी होती है। जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो फाइनल प्रोडक्ट है वो मैंने लिख दिया CN। किस में बदलता है? CHO में। ये कौन सी रिएक्शन है? ये है स्टीफंस रिएक्शन। साथ ही साथ आप एल्डिहाइड दे रखा है भाई, तो एल्डिहाइड में फेलिंग सॉल्यूशन एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है और उसको ऑक्सीडाइज करेगा। किस में? किस में ऑक्सीडाइज करेगा? यस ऑफ कोर्स, ये ऑक्सीडाइज होगा किस में आपका? यस कार्बोक्सिलिक में ऑक्सीडाइज होगा, ठीक, कार्बोक्सिलिक में ऑक्सीडाइज होगा। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी हो सकता था कि अगर मैं इसका कलर्ड कंपाउंड लिखूँ तो रेड पीपीटी मिलते हैं, वो भी किस वजह से? रेड ब्राउन पीपीटी बोलते हैं जनरली, किस वजह से? ये आपका क्यूप्रस ऑक्साइड की वजह से, ये इसका प्रोडक्ट है। साथ ही साथ इस रिएक्शन को पूरा करते हैं तो भाई फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड में आपने क्या ऐड किया हुआ है? आपने इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इथाइल ग्रुप इस पे एडिशन रिएक्शन देगा CO पे और हाइड्रोलिसिस के बाद अल्कोहल में बदल जाएगा। तो भाई दो कार्बन की चेन तो मिली हमें इससे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, एक कार्बन यहाँ ऑलरेडी रखा हुआ और ये बदल जाएगा आपका अल्कोहल में, मतलब आपको तीन कार्बन का अल्कोहल देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर से देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आपको याद है कि आपको क्या करना होगा यहाँ पे, तो जो 28th जो आपका प्रोडक्ट है वो रहेगा तीन कार्बन का भाई, क्या रहेगा? यस तीन कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा, ठीक। लास्ट रिएक्शन आप मुझे बताएंगे कौन सी है, कौन सी नेम रिएक्शन है और इससे बना प्रोडक्ट कौन सा होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लास्ट रिएक्शन कौन सी नेम रिएक्शन है और 33 प्रोडक्ट का क्या नाम होगा।